नमस्कार दोस्तों, प्रीति'स फिंगर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाई जाने वाले सिंघाड़े के आटे की बर्फी, या इसे सिंघाड़े के आटे की कांची भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे अक्सर हम व्रत में खाते हैं, बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊँगी ताकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने और एकदम इसमें जो गुठलियाँ कई बार पड़ जाती हैं वो बिल्कुल भी ना रहे। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा, शुगर एंड दूध तीनों को बराबर मात्रा में लिया है। 200-200 ग्राम मैंने ये सभी चीज़ें ली हैं। 200 ml मैंने यहाँ पे दूध लिया है। मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। घी की मात्रा हम जितनी अच्छी रखेंगे हमारा हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा, हमारी बर्फी उतनी ही टेस्टी बनेगी। घी देखिए मेल्ट हो चुका है और अच्छे से गर्म भी हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारा जो सिंघाड़े का आटा है वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। इसको हमको चलाते जाना है और इसमें अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें इसको भून लेना है। घी है अच्छे से सभी हमारे आटे में मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हमको ऐसा लगे कि हमारा घी इसमें कम है तो हम इसमें और घी भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप घी की मात्रा कम रखना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर आपको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए घी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी और डालूँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े और ये बहुत ही टेस्टी बने। इसके लिए हम यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको घी कम पसंद है, कम खाना है, तो आप कम भी इसमें रख सकते हैं। घी की मात्रा हमने इसमें बढ़ाई है तो इसकी जो भुनाई है वो बहुत ही अच्छी होगी, आप देखिएगा। देखिए ये हमारा जो आटा है सिंघाड़े का वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अच्छे से भुन भी चुका है। इसका कलर चेंज होने तक हमको इसको भुन लेना है। देखिए इसका कलर अब चेंज हो चुका है, आटा जो हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे शुगर है 200 ग्राम के लगभग है, आप अगर कम खाते हैं मीठा तो कम भी ले सकते हैं, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और शुगर के मेल्ट होने तक हमको इसको अच्छे से भूनते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है हमें। देखिए शुगर हमारी मिक्स हो चुकी है, तो अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 200 ml दूध ले लिया है। हम यहाँ पे दूध, पानी, कुछ भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। दूध के कारण किसका जो टेस्ट रहता है वो और भी अच्छा आएगा। इसको मैं अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े। अब मैं इसमें यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। 200 से 400 के ml के लगभग मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और इसको विस्कर की मदद से अच्छे से हमको मिक्स करते जाना है ताकि लम्स बिल्कुल भी ना पड़े। वैसे भी हमने इसमें घी अच्छा डाला है तो देखिए लम्स बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ेंगे। जिसकी कंसिस्टेंसी है देखिए पानी डालने के बाद इतनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और ये अच्छा थिक नहीं हो जाता तब तक हमको इसको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है आँच पर। मैं इसे तेज आंच पर ही अभी चला रही हूँ ताकि हमारा जो पानी है पूरा रिड्यूस हो सके। तब तक हमको इसे तेज आंच पर इस तरीके से चला लेना है। मैं इसे नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, इसके लिए मैंने आंच तेज रख ली है। अगर आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में बनाएं तो ये ध्यान रखें कि ये नीचे से लगे नहीं, जले नहीं, इसके लिए आप इसे धीमी आँच पर ही बनाएं। जब ये हमारा जो बर्फी का मिक्सर है वो एकदम थिक होना चाहिए, देखिए इस तरीके से, जिस प्रकार से सॉफ्ट हम आटे का डो लगाते हैं उस तरीके से। देखिए हमारा ये अब बनकर तैयार है। अब हम इसमें एक
कई में मैंने इसे निकाल लिया है, कई को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था घी की मदद से, और इसको इवनली हमको चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से। देखिए और भी बचा हुआ है, तो मैं इसे दूसरी कढ़ाई में डाल लूँगी। 200 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। मैंने इसे अब ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद हम इसे अब डायमंड शेप में कट कर लेंगे। नवरात्र चालू है और लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा जो हलवा है, कांची है या बर्फ़ी है, वो परफेक्ट नहीं बनती। इसके लिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इस तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी ये बर्फ़ी किस तरीके की बनी है। मेरी तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही परफेक्ट बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, उससे मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। बादाम है मेरे पास और चिरौंजी हैं, उसको मैं इसमें डालूँगी। ये दोनों चीज़ें इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इस नवरात्र में इसे बनाइए और माता रानी को इसका भोग अर्पण करिए। और मुझे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।